जो इंजर्ड लोग हैं, जो जो सरकारी हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, उनको तो हम पूरी उनका इलाज कर ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराता है, तो फरिश्ते स्कीम जो दिल्ली सरकार की एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए थी, कि अगर कोई भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम है और उसको आप वो अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराता है, तो उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है, उस फरिश्ते स्कीम को राइट अफेक्टेड लोगों के लिए भी लागू कर दिया गया है। आज शाम तक ऑर्डर्स जारी हो जाएंगे। तो अब जो भी लोग अपना इलाज, राइट अफेक्टेड लोग जो हैं, जो अपना इलाज उसमें हमने क्राइम इन्फेक्टेड अफेक्टेड लोग भी और राइट अफेक्टेड लोग भी दोनों के लिए जारी कर दिया है, कि जो लोग भी अपना प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएंगे, तो हॉस्पिटल को रिइम्बर्समेंट दिल्ली सरकार कर देगी, उनके इलाज का कोई खर्चा नहीं लगेगा। तो जो लोग इलाज करा के चले गए वो तो चले गए, लेकिन अभी जो लोग प्राइवेट में अभी जिनका इलाज चल रहा है, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, या आगे अगर कोई भगवान ना करे और कोई दुर्घटना हो, तो उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों की मौत हो गई है, उनको हर एक को, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपया एक्स ग्रेशे और 9 लाख रुपए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।